तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं 3 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे जैसे ही इलेक्ट्रिकल के अंदर डीसी मशीनें होती है, तो डीसी मशीनों को चलाने के लिए जो स्टार्टर यूज होते हैं, उन स्टार्टर की वर्किंग के बारे में, उसकी संरचना के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई इस स्टार्टर का यूज क्यों होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर को चलाने के लिए हम 3 प्रकार के स्टार्टर का यूज करते हैं, जिसमें कि आप सबको पता है सबसे पहला स्टार्टर होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, और दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, और अगर 3 नंबर की बात करें तो वहां पे होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। अब बात आती है कि हम यहाँ पे स्टार्टर का जो नाम है वो उसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस प्रकार से क्यों रखते हैं, क्योंकि आप सबको जैसे कि अभी जो दिख रहा है स्टार्टर वो 2 पॉइंट स्टार्टर है, और जिसके अंदर 1 पॉइंट यहाँ पे एल दिख रहा है, दूसरा पॉइंट आपको वहां पे एफ पॉइंट दिख रहा है, तो यानी कि 2 पॉइंट आपको इस स्टार्टर से निकल रहे हैं, इसलिए हम इस स्टार्टर को 2 पॉइंट स्टार्टर के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देता हूं कि जो हमारे पास में स्टार्टर होते हैं, उन स्टार्टर का डीसी मोटर को चलाने के लिए यूज इसलिए लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि डीसी मोटर का जो घूमने वाला भाग होता है वो भाग आर्मेचर कहलाता है, और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल कम होता है, यानी कि 1 ओम के लगभग बराबर होता है। तो शुरुआत के अंदर क्या होता है, आप सबको पता है कि जो बैक ईएमएफ होता है वो शुरुआती बैक ईएमएफ शून्य होता है, और शुरुआत में जब बैक ईएमएफ शून्य होगा तब मोटर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम ही है, और वहां पे बैक ईएमएफ शून्य है शुरुआत के अंदर, तब हम बाहर से जब सप्लाई देंगे तब यहां पे आर्मेचर के जलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि बैक ईएमएफ नहीं होगा, उसका विरोध करने वाला नहीं होगा, तो उस आर्मेचर में ज्यादा करंट जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे आर्मेचर जल भी सकता है। दूसरा, हम यह भी कह सकते हैं कि मोटर की सुरक्षा के लिए हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं, यानी कि शुरुआत के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस को कम करते हैं, और अपनी मोटर एक रनिंग स्पीड में स्टार्ट हो जाती है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, और इस स्टार्टर से आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकली रूप से इसकी संरचना कैसी होती है, और किस प्रकार से आपको मोटर के साथ में कनेक्शन करना है, इन सभी के बारे में हम यहीं पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है यहां पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि ये 2 पॉइंट स्टार्टर है, आपको संरचना से सबसे पहले आपको पता चल रहा है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ऊपर की साइड में आपको यहां पे दिख रहे हैं R1 और R2 R3 दिख रहे हैं, ये क्या है, यहां पे रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो यूरेका वायर के बनाए जाते हैं। आपको यहां पे ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस यहां पे स्टार्टर के अंदर यूज लेते हैं वो यूरेका वायर के होते हैं। जब आप स्टार्टर को खोलते हैं तो पीछे की साइड में स्प्रिंग की तरह आपको यहां पर नजर आएगा, वो यूरेका वायर का रेजिस्टेंस बना होता है, और जो कि एक सीरीज में लगा होता है, ठीक है ना। ये यूरेका वायर का रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगा होता है, यहां पे ऑफ स्थिति में हैंडल पड़ा है, और जैसे हम यहां पे 1 नंबर पॉइंट पे लाएंगे तो यहां पे मोटर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें शुरुआत के अंदर तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस को कम करते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यहां पे ये रेजिस्टेंस हो गया है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लिखा हुआ भी आपको पता चल रहा है, और ये जो पॉइंट है वो ऑफ बटन है, ठीक है ना, यानी कि इस स्थिति में मोटर जो है हमारी वो बंद रहेगी, और यहां पे जो पॉइंट ये हैंडल यहां पे लेके आएंगे तो यहां पे मोटर पूरी पूरी एक रनिंग स्पीड में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो यहां पे एक हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इस हैंडल के ऊपर आपको सॉफ्ट आयरन का एक पिच आपको दिखाई देगा, सॉफ्ट आयरन का यहां पे पिच, यानी कि एक टुकड़ा यहां पे हैंडल के ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन हमेशा चुंबक को ज्यादा आकर्षित करता है, इसलिए यहां पे लगाते हैं। और यहां पे एनवीसी कॉइल लगी होती है, और ये एनवीसी कॉइल क्या करेगी, हैंडल जैसे ही यहां पे आएगा तो सॉफ्ट आयरन को अपनी ओर
जकड़ लेगी, जिससे कि अपनी मोटर जो है एक रनिंग स्पीड में चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखते हैं आगे की साइड में, तो स्टार्टिंग ये स्टार्टर का हैंडल हो गया, और उसके बाद में यहां पे लगाई हुई है इस स्टार्टर के जो हैंडल है उसके नीचे की साइड में स्प्रिंग दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का इसका काम रहता है कि जो हैंडल हमारे ऑन स्थिति में है, माना कि यहां पे निर्धारित मान से अधिक धारा आ गई है, ठीक है, या फिर अचानक लाइट चली गई है, तब यहां पे मोटर में क्या होगा, ये एनवीसी कॉइल है ना, ये चुंबक बनाना बंद कर देगी। तो चुंबक बनाना बंद करेगी तो ये जो सॉफ्ट आयरन का पिच है उसको तो छोड़ देगी वहां से, तो छोड़ने ही वापस हैंडल अपनी ऑफ स्थिति में आना चाहिए। तो उसके लिए वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे स्प्रिंग को लगाते हैं, जिससे कि अपना हैंडल वापस शुरुआती जहां पे पॉइंट पे पड़ा था वहीं पे वापस आ जाता है। उसके बाद में आगे की साइड में देखते हैं तो यहां पे एक एनवीसी कॉइल लगी हुई है। एनवीसी का मतलब होता है 9 वोल्ट कॉइल बोलते हैं, या फिर आप इसको होल्डिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। होल्डिंग का मतलब भी है कि जकड़ के रखना, ठीक है, तो यहां पे ये जो एनवीसी कॉइल है इस हैंडल को यहां पे जकड़ के रखती है। अब जकड़ के कैसे रखती है, जैसे हमने यहां पे सप्लाई स्टार्ट की तब हम हैंडल को यहां से घुमाते धीरे धीरे यहां पे ऑन स्थिति में लेके आएंगे। उसके बाद में ऐसे खड़े रह के हम स्टार्ट तो नहीं रख सकते ना, तब हम क्या करते हैं उस हैंडल को यहां लाके वापस छोड़ देते हैं। तो छोड़ते ही हैंडल वापस ऑफ स्थिति में नहीं आता है, क्योंकि यहां पे जो यहां पे एनवीसी कॉइल लगी हुई है ये एक चुंबक कॉइल होती है। यहां पे क्या होता है, इसके ऊपर टर्न लगाए हुए होते हैं, तो टर्न से क्या होता है, जैसे सप्लाई देते हैं तो यहां पे चुंबक बनती है, तो उसी चुंबक से यहां पे इस हैंडल को यहां पे ये एनवीसी कॉइल जकड़ के रखती है, जिससे कि अपना जो मोटर है वो ऑन स्थिति में रेगुलर चलती रहती है। ठीक है, तो ये एनवीसी का कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे पास में टू पॉइंट स्टार्टर होता है उसके अंदर ओएलसी कॉइल नहीं लगी होती है। ठीक है ना, आपको अगर ना कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए डीसी मोटर के जो स्टार्टर है, टू पॉइंट है, थ्री पॉइंट है और फोर पॉइंट है, उसमें एनवीसी कॉइल नहीं, सॉरी ओएलसी कॉइल किस स्टार्टर में नहीं लगी होती है, तो आपको बताना है टू पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी कॉइल नहीं लगी होती। यहां इस सरसला में तो आपको बता रहे हैं ओएलसी कॉइल लगी हुई है, लेकिन ज्यादातर टू पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी कॉइल नहीं लगी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओएलसी कॉइल का मतलब होता है ओवरलोड रिलीज, ओवरलोड कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ओवरलोड कॉइल का मतलब हुआ कि निर्धारित मान से अधिक करंट आने पर, माना कि अपनी मोटर जो है 5 एम्पियर से चलने वाली है, अब 5 की जगह अगर ज्यादा एम्पियर ले रही है मोटर, लोड आपने ज्यादा लगाया तो यहां पे एम्पियर भी ज्यादा लेगी, तो ज्यादा जब मोटर करंट लेगी तब क्या होगा, जब ज्यादा मोटर करंट लेने से मोटर जल भी सकती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने यहां पे ओएलसी कॉइल लगी है। तो ओएलसी कॉइल क्या करेगी, निर्धारित मान से जब अधिक करंट बहेगी तब यहां पे जो दो पॉइंट यहां पे दिख रहे हैं ना नीचे की साइड में आपको, इन दोनों पॉइंट को यहां से शॉर्ट कर देगी। ये जो लीवर है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर उठने से ये दोनों पॉइंट है यहां से शॉर्ट हो जाते हैं, और ये दोनों पॉइंट जब शॉर्ट होते हैं आप दिख रहे हैं ये पॉइंट सीधा यहां पे कहां जा रहे हैं, एनवीसी के दोनों पॉइंट पे जा रहे हैं, यहां पे कनेक्शन हो रखा है, एक यहां से हो रखा है। तो यानी कि एनवीसी के दोनों जो सिरे है वो यहां पे आए हुए हैं, और यहां पे जब निर्धारित मान से अधिक धारा जाएगी तब ये लीवर ऊपर उठेगा, और लीवर ऊपर उठने से क्या होगा, यहां पे दोनों सिरे शॉर्ट हो जाएंगे। अब जब शॉर्ट हो जाते हैं तब करंट यहां से सीधी प्रवाहित हो जाती है, यहां से लेके यहां तक। इस एनवीसी में ना करंट प्रवाहित होगी नहीं, और एनवीसी में जब करंट प्रवाहित नहीं होगी तब चुंबक भी नहीं बनेगा, और चुंबक नहीं बनेगा तो ये हैंडल को जकड़ के भी नहीं रखेगा, और हैंडल जकड़ के नहीं रखेगा तो हैंडल वापस अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि हमारे पास में पॉइंट कहां कहां से आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास में एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस, क्योंकि हम जो मोटर को चला रहे हैं ना वो मोटर डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर के लिए प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जो सिरा होगा वो यहां पे एल सिरे पे देंगे, पॉजिटिव सिरा सीधा एल सिरे पे देंगे, और एल सिरे के श्रेणी क्रम में ओएलसी कॉइल लगी होती है, वो सीधी हैंडल से कनेक्ट होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए टू पॉइंट स्टार्टर में
ओएचसी कॉइल कैसे लगी होती है, किस प्रकार से संयोजन होता है, तो आपको बताना है सप्लाई के श्रेणी क्रम में होता है। सप्लाई के श्रेणी क्रम में, जैसे कि यहां से सप्लाई आई ना, तो इस सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाई अपने ओएलसी कॉइल, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एनवीसी कॉइल लगी होती है वो एनवीसी कॉइल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो एनवीसी जो कॉइल होती है वो मोटे तार और कम टर्न वाली होती है। टू पॉइंट स्टार्टर के अंदर एनवीसी कॉइल मोटे तार, यानी कि वायर थोड़ा मोटा होगा और जो टर्न होगा वो मतलब टर्न थोड़े कम होंगे, ठीक है ना। तो मोटा तार और कम टर्न वाली एनवीसी कॉइल यहां पे यूज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारी एनवीसी कॉइल होती है वो इस किस प्रकार से संयोजित होती है, तो एनवीसी कॉइल यहां पे मोटर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, ठीक है। तो मोटर का आपको यहां पे डायग्राम बताते हैं हम, जैसे कि आप यहां पे नीचे की साइड में जैसे इसमें देखोगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, जैसे कि नीचे की साइड में ये पूरा मोटर का डायग्राम, ठीक है ना। ऊपर की साइड में हमारे पास में स्टार्टर था, यहां तक ये स्टार्टर था, उसके बाद में नीचे की साइड में देख रहे हैं ना, ये जो डायग्राम है वो मोटर का है कि इसके साथ में मोटर को कैसे जोड़ते हैं। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि बताइए जो हमारे पास में टू पॉइंट स्टार्टर होते हैं उस टू पॉइंट स्टार्टर से कौन सी मोटरें चला सकते हैं, तो आपको बताना है यहां पे टू पॉइंट स्टार्टर से एक ही मोटर होती है जो सीरीज मोटर, उसको चला सकते हैं, ठीक है ना। तो टू पॉइंट स्टार्टर से सीरीज मोटर को चला सकते हैं, और थ्री पॉइंट स्टार्टर और फोर पॉइंट स्टार्टर है उसके द्वारा यहां पे संट और कंपाउंड मोटर को चला सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पे जो हमारे पास मोटर है वो सीरीज मोटर है, और सीरीज मोटर के बारे में आपको सभी को पता है, एक आर्मेचर होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग के रूप में सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, और आर्मेचर के रूप में आपको पता ही है आर्मेचर यहां पे होता है। अब ये जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों आपस में श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, और आर्मेचर का एक सिरा सीधा यहां से नेगेटिव सिरे से जुड़ रहा है, ठीक है ना। और पॉजिटिव जो सिरा था उसको तो मैंने आपको बताया सीधा स्टार्टर में जाएगा जिसके श्रेणी क्रम में ओएलसी कॉइल लगी होती है, और इसका जो फील्ड वाइंडिंग का जो एक सिरा है वो एफ से जुड़ जाएगा, और एफ वाला सिरा है वो एनवीसी से आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एनवीसी का एक सिरा है वो यहां पे आ रहा है, जो हमारे पास में स्टार्टर का जो अंतिम स्टड है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्टड, जो पीतल के बनाए जाते हैं, तो अंतिम स्टड से एनवीसी जुड़ी होती है, और एनवीसी का एक सिरा वापस वहां पे एफ सिरा आ रहा है जो यहां पे मोटर में जा रहा है, ठीक है। तो ये संरचना आपको टू पॉइंट स्टार्टर के बारे में ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर आपको यहां पे इस स्टार्टर के बारे में कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे यहां पे कमेंट करके बता सकते हैं, जो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।